शख्स बारह बनाने वाला मजदूर, आपने देखा होगा रोडों पर अगर आप जाएंगे ना तो हर चौक पर हर जगह पर मजदूर बैठेंगे, कोई कलर वाला होगा, कोई बेंचे वाला, इसी तरह खड़े हुए थे। तो एक शख्स का मकान जो है ना अचानक से गिर गया, गारे का था, तो मजदूरों की तलाश में निकल गया। देखा कि एक मजदूर है, सारे मजदूर खड़े, लेकिन एक मजदूर ऐसा है जो अलग थलग जो है ना तस्बीह हाथ में तस्बीह पे पड़ रहा है और मजदूरी का भी इंतजार कर रहा है। तो उसने सोचा यार नेक बंदा है, इसी को मैं ले लेता हूँ। कहा कि आप नमाज पढ़ने के आओ, मजदूरी करेंगे? कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कहा कि आप चले गारे का काम है, मेरा घर गिर गया, वो जो है ना बनाना है। तो उसने कहा हाँ चलूंगा, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। कितनी शर्तें? तीन शर्तें। पहली शर्त ये है कि मेरी ताकत से ज्यादा तुम काम नहीं लोगे, जितनी मेरी ताकत है मैं उतना ही काम करूंगा। उसने कहा चलो सही है, कबूल है मुझे। उसने कहा दूसरी शर्त ये है कि मैं जितना तुम्हें बोलूंगा, पैसे मेरे जितने जायज है उतने दोगे तब मैं चलूंगा। कहा कि ये शर्त भी मंजूर है। और तीसरी शर्त यह है कि जब नमाज का टाइम होगा मैं नमाज पढ़ूंगा, काम नहीं करूंगा। कहा कि ये तो और अच्छी बात है, तुम चलो। जब वो गया, उसको काम दिखाया कि ये गारे का काम है, उसने क्या काम पे लग गया। आपने जब लग गया तो वहां पर शाम के टाइम जिसने लगाया था, देखा कि और मजदूरों से ज्यादा इसने काम किया है। एक होता है ना जैसे डंडी मार देना ऐसे वैसे, लेकिन उसने हा हा किलायल की तरीके से सही से काम किया। जब काम करने शुरू हो गया तो उसको उजरत दी, फिर वो चला गया यहाँ से। फिर कुछ दिन के बाद देखा, कहा कि वो मजदूर बड़ा अच्छा था, फिर ढूंढने निकल गया। अब देखा जहां पर मिला था, मिला ही उसने। फिर दूसरे मजदूरों से पूछा, कहा कि वो मजदूर कहा है? कहे दरअसल वो हफ्ते में एक मरतबा काम करता है। कहते हैं बस हफ्ते में एक मरतबा कमा लिया, अब मेरे छह दिन के लिए इतने पैसे जमा हो गए, जब ये खत्म हो गए ना तब मैं काम करूंगा। अब वो पूछा कहा कि बड़ा ईमानदार बंदा है, ऐसा बंदा तो मैंने आज देखा है। वैसे तो लोग जिसके जेब में या जिसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हो, वो और सोचता है कि और पैसे आए, लेकिन ये कैसा बंदा है। कहा कि चलो मैं इसको ढूंढने के लिए निकलता हूँ। जब उसको एड्रेस मिला, सब कुछ मिला, गया उसके पास, देखा कि वो जो है ना बुखार की शिद्दत में अलील पड़ा हुआ, बुखार में। कहा कि आपका यहाँ पर कोई नहीं? कहा कि मेरा अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं। तो बुखार में कहा कि आप मेरे साथ चले, मैं आपकी दवाई नहीं। वो बड़ा इसरार किया, उसने मना किया, लेकिन इसरार उसका बड़ा, तो लेकर गया उसको। कहा कि मैं आपके घर का कुछ भी खाऊंगा क्यों नहीं, जो मैं आपको पैसे दूंगा उसी से ला कर दूंगा। अब इतना ईमानदार। कहा कि चलो सही है। सात दिन तक उसके घर में पड़ा रहा, आखिरी वक्त ऐसा आया जो अजल उसको आए, यानी मौत करीब आ गई। फिर उसको वसीयत करता है जो गारा बनाने वाला उसको अपने घर में लेकर आया था। कहा कि मेरी ये वसीयत याद रखो, एक कुरान लो, एक अंगूठी, ये हारून रशीद को देना। हारून रशीद वक्त का जो है ना बादशाह खलीफा है। हारून रशीद को देना और कहना कि जालिम मत बनो, आज तुम बादशाह हो तो कयामत वाले दिन उस बादशाह के सामने भी पेश होना है अपने रियाया के साथ, अदल और इंसाफ करना। अब ये बड़ा परेशान है मजदूर, और इसका रابطہ बड़े बड़े और इतने बड़े बादशाहों से, तो ये वसीयत कही और कहा कि जब मैं मर जाऊं ना, मेरे टांग में रस्सी बांधना और रस्सी बांधते हुए यूं चक्कर घुमाना और लोगों को कहना कि जो रब ताला का नाम फरमान होता है, लोगों देखो इसका अंजाम ये होता है। अब इतना नेक, इतना बादशाह ये करके उसकी साथ निकल गए। तो जो ही वो आधा घंटे तक उसकी आंखों में आंसू पे आंसू, फिर ना चाहते वसीयत हुई, क्या किया, उसके पांव में रस्सी बांधी तो घर के चारों कोनों की तरफ से आई, ए बंदे ये मेरा नेक बंदा है, जो कहा था ये इसका तकवा था, हम इससे राजी है, मैं रब इससे राजी हूं, इसके पांव में रस्सी ना बांधो। इसीलिए कहते हैं बंदा जितना भी गुनाहगार हो, आप मां देखिए कितना मोहब्बत करती है। रब कहते हैं रब अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अब जब उसने उसकी तदफीन वगैरह की, अब हारून रशीद के पास गया, मुलाकात नहीं हुई, मुश्किल से हुई, तो कहा के बताओ क्या हाल है। तो उसने क्या कुरान और वो अंगूठी दिखाई, जो ही दिखानी थी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहा कि ये अंगूठी ये कुरान तुम्हें मिला कहां से, वो शख्स कहां पर है। कहा कि वो शख्स तो अब चल गया, लेकिन इसका माजरा क्या है। कहा कि बताओ वो है कहां पर। कहा कि वो जो है ना ऐसे ऐसे घारा बनाने वाला था। क्या घारा? कहा कि फिर कहो। इसी तरह हारून रशीद को उसने तीन मरतबा कहा कि वो मजदूर था, घारा बनाता था, मजदूरी किया करता था। जब जब वो सुनते उसके हारून रशीद के आंखों में से आंसू आ जाते, रोते रहते।
आखिर वजह क्या है जिसके लिए मजदूर के लिए बादशाह रो रहे, वो तो और उसकी परेशानी बढ़ गई। कहा के अब है कहा के उसका इंतकाल हो गया। हारून रशीद उस टाइम बेहोश होकर तख्त के नीचे गिर पड़े और शाम तक बेहोश हो गए। अब धारा बना जो सेठ था उसकी और परेशानी बढ़ गई कि वजह क्या है। जब वो आया ना देखा कि आखिर वजह क्या है, फिर देखा कि ये अब मुझे उसकी कब्र पर लेकर चलो। जब कब्र पर लेकर चले तो हारून रशीद उसकी कब्र से जारो कतार रोने लगा और कहा कि तुम्हें पता है ये कौन है। हाँ, उसने कहा नहीं। कहा कि हारून रशीद मैं बादशाह हूं, ये मेरा बेटा है। कौन है? ये मेरा बेटा है। पहले जब अल्लाह ताला का अहकाम इसने सुना था, कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत इसने जब सुनी, क्या अलम अलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त न याद आया कि इनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद के लिए। जब किसी बच्चे ने ये आयत पढ़ी, मेरे बेटे ने ये आयत सुनी, तो वो जंगलों बेबानों में निकल गया और अपने रब ताला को याद करने में लग गया। उसने इतने सारे ऐश और इशरत बादशाह को छोड़कर गरीबाना लिबास पहनकर अपने रब ताला को याद करने में लग गया। आज उसका जो है इंतकाल हो गया। अब इससे हम देखें उसको तरबियत क्या मिली। बादशाह का आज जिसके बाद थोड़ा सा पैसों वाले ना अपने बेटे को ऐसे बना देता है कि यानी अगर बेटा उसके सामने दाढ़ी मुंडा के आ जाए ना, देखो देखो मेरा बेटा कैसे शेर लग रहा है। अब इसको पता नहीं ये गुनाह है, थोड़ा सा गुनाह करे बाप की भी जरूरत नहीं क्या। लेकिन तरबियत का कमाल यह है, जब तरबियत यह है तो फिर देखें अल्लाह का खौफ उनके दिलों में कैसे। आज बताओ हम वो कहां से लोग लाए जो अल्लाह ताला की एक आयत सुनकर इतने जारो कतार रोने लग जाते थे और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाकर तौबा करके आखिरकार उनकी रूह निकल जाया करती थी। आज हम भी हैं कि हम देखें कितना कुरान सुनते हैं, कितना उलमाओं से रब्ता है, कितना अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करते हैं, लेकिन हमारा ये दिल जो है ना अब फिरता ही नहीं है, दिल जो है ना टस से मस नहीं होता। इसी तरह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला फरमाए ना कि कोई है तस्बीह घुमाता रहता है रात दिन, तस्बीह पूरा दिन। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाया कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की बारगाह में दुआ कि हमने जो कुछ सुना उसे याद रखकर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक।